मैं आ चुकी हूँ कोली झील पे। ये देख सकते हो कोली झील का व्यू। यहाँ पर मैं इसके अभी भोरने हो रहे हैं, बाल स्ट्रेट कराने हो रहे हैं और इसमें मेरे तो भाई जब यहाँ पर देखो रितु की बालों की कटिंग हो रही है। गई यहाँ पर हमारी समोसे पार्टी चल रही है। ये भाई जब हम लोग हो गए तैयार और साथ में हमारा झोला है जो हमारे ना एक ये है, इसकी आधी अनबॉक्सिंग तो रितु ने कर दी है देख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी व्लॉग पर। अभी मैं झड़पत्या हूँ, ये है मेरा दूध का जर्किन। आज इसके कारण ना मेरी दूध की गाड़ी गई है। गाइस कभी आपने देखा है कभी जल्दी जा रही है कहीं मैं जल्दी जाते आज मैं जल्दी जाने वाली थी। 8 बजे इसका 8 बजे इसका कॉल आया था। इसने मेरे को कसम दे दी अगर नहा धो के तैयार होके नहीं आई दोबारा घर जाएगी तो इसने कसम दे दी थी इसने। अब इसकी इसकी कसम मानू तो मम्मी ने डांट दी और मम्मी की डांट मानू दूध की गाड़ी चले गई है वहां से डांट मानू एक कसम के चक्कर में ना। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो अभी चलते हैं हम किमतुली प्लांट में जाना है उसके वो जानने चली बारिश रहा तब ना गया कुछ और रुके हम फॉर्म लगे हुए। सो गाइस अभी प्लांट में पहुंच चुके हम लोग, दूध तोल दिया है और किमतुली का व्यू देख सकते हो यहाँ है प्लांट। तो अब यहाँ से चलते हैं लोहागढ़। रितु तो जरकिन धीरे धीरे ना मौसम खराब होने लगी है। रितु उधर साइड ड्रम रखने गई है रोड में, मैं तब तक स्वेटर पहन लेती हूँ। वो आ भी गई पीछे से दौड़ लगा के आ रही, तब तक स्वेटर पहन लेती हूँ ठंडा हो। हमारे दोस्तों की मुलाकात होगी। हेलो गाइस कर दो कही कि आज हमें एक ब्लॉगर मिल गई है, इन्होंने लेकिन छोड़ दिया है। हम वीडियो में एक दूसरे को देखते थे नहीं मिल पाता है। अभी हम इलाहाबाद पहुंच चुके हैं सीतल पीक में। यहाँ पर ना मेरे पार्सल आए हुए हैं जिसके हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे। एक ये है, इसकी आधी अनबॉक्सिंग तो रितु ने कर दी है देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने दोस्तों के घर के लिए और हमारी घनों यहाँ पर पार्क है, इनकी बेकरी में आना है। गई चली ले आ जा गई। यहाँ पर हम मार्केट में पहुँच चुके हैं, ये है मार्केट हमारी और यहाँ से हमें लीची देखी तो लीची खाने का मन कर गया लेकिन ये बहुत महंगी है तो बताओ अब क्या करें। 160 रुपये किलो हो रही है लीची, जिसके पास भी होगी वो हमें भिजवा सकते हो। कितने के होंगे एक बार देखो, कम है आधा, आधे से कम है आधा, नहीं नहीं आधा नहीं देना है। कितने का करें? सो गाइस हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो हम लोग पाव भरी खरीद रहे हैं लीची। गाइस किस किस को लीची पसंद है, हमने तो अभी लीची खाने का मन हो रहा था मार्केट में, अभी फर्स्ट में आने लगी है लीची, हम मार्केट में ही इसको खाते हैं। कैसी लग रही है बता रहे हैं, सब लोग हमें ही देखे रहेंगे। इसमें एक गुस्सा आता है अंदर, इतना पूरी लीची होती तो मज़ा आता, अंदर गुठली होती है तब बड़ा गुस्सा आता है मस्त हो रही है गाइस। और हम रास्ते में खाते खाते जाएंगे। लोग आ गए हैं हथरंगिया, रितु ने मेरे को मारी है, एक आंख से इतने आंसू निकल रहे, इसने मारी तो मैंने एक ही आंख से
एक आंख में मतलब इसने खिचोल दिया है। अब चलते हैं गाइस, तैयार होके आते हैं फिर। जी आ गई यहाँ सोने के लिए। मैं सो रही हूँ, बैठी हूँ मैं यहाँ पे। क्या पता मेरे नींद ना आ रही। हम तैयार हो गए गाइस। ये देखो दोनों बहनें, तभी तो हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं। एक साथ रहते हैं तो हमारे ये काम होते हैं। इसके अभी भोलने हो रहे हैं, बाल स्ट्रेट कराने हो रहे हैं और इसमें मेरे हाथ जल रहे हैं। देखो बाल जला जला के ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर हो रहा है बहनों का मेकअप। अभी मैं भी अच्छी तरह तैयार नहीं हो रखी हूँ, मेरे कपड़ों पे ध्यान मत दीजिए। अभी कोई वही नहीं है, जल्दी से इसके बाल स्ट्रेट करके फिर तैयार होते हैं, फिर मिलेंगे आपको। तो गाइस अभी यहाँ पर देखो रितु की बालों की कटिंग हो रही है। बाल तो है नहीं कटिंग हो रही। ये क्या है थे? ये कुछ हो रही है। वाह भाई, बाल काट के इतने अच्छे लग रहे हैं। इसको आइडिया है बरखा को। अब ये बनने वाली है हमारी हीरोइन नंबर वन। भाई इसके बाल कटिंग करके बड़े अच्छे लग रहे हैं। अभी तो मैं तैयार नहीं हुई, एक साड़ी फिर से चेंज हो गई है मेरी। तो दोस्तों अभी मैं फिर से, मैंने ना दूसरी साड़ी चेंज करने में हूँ। मेरे को कौन सी पहनूँ वही समझ में नहीं आ रहा है। और एक बार वो पहनी, एक बार फिर वो वाली पहनी, मैंने बैग निकाल फिर से ये वाली साड़ी पहन ली है। अब पता नहीं कौन कितने चेंज करती हूँ मैं। तो अब रितु तैयार हो रही है, फिर दिखाते हैं हम आपको। रितु को आपको बताना कौन सी साड़ी मेरे पे अच्छी लग रही है। सो गाइस अभी हम लोग हो गए तैयार, बस साथ में हमारा झोला है जो हमारे ना जो हमें मतलब हमारी खूबसूरती पे खड़ा होकर रहा है। तो अभी इसको हम मार्केट में रख के जाएंगे। और दोनों बहनें कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे मत कर, ओके ऐसे ही। तो अभी चलते हैं फिर हम मार्केट को, साड़ी पहन के स्कूटी में धन्नों में जाते हैं। और यहाँ पर हमारी बहन भी है, ये देखो मेकअप कर रही है गाइस। हेलो गाइस, दिखेगी नहीं गाइस। अब ये अपने घर को जा रही है। बाय 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 बाय, फिर मिलते हैं। हाँ यहाँ पर हमारी फ्रेंड शिखा नहीं मिली, तो वो वहाँ पर है। शिखा नहीं मिली क्योंकि वो अभी कहीं शादी में वो भी गई है, दुनगुने वगैरह। चलो फिर हम चलते हैं मार्केट। अभी हम लोग आ गए हैं फास्ट फूड की दुकान में। यहाँ पर ना हमें भूख लगी है, शादी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। लेकिन शादी का खाना तो कौन ही खाता है। पहले हम यहीं से थोड़ा पेट पूजा कर जाते हैं। यहाँ पर देखो सारी सारी जगह भी, और वहाँ से हम लोग ले रहे हैं समोसे। समोसे को देख मतलब मैं समोसे बहुत कम खाती हूँ, फिर भी मुँह में पानी आ रहा है। कम खाती है लेकिन वो जलेगी। ये है समोसे, गर्मा गर्म समोसे हमारे पैक हो चुके हैं। और हम जाते हैं अभी समोसे खाने मार्केट। रे तो अब इसको भी तू ही पकड़, धूप आ गया। हम गाइस अभी ना श्याल की शादी हो रही है, हम लोग उनकी शादी में बरीद किया जा रहे हैं। श्याल की शादी में बरीद किया गई। यहाँ पर हमारी समोसे पार्टी चल रही है। ये समोसे खाते हैं जल्दी जल्दी से, समोसे खा के बरीद पूजा करते हैं। इसमें सब पोपट हो गया था, तो मेरी चाबी खो गई। मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। और इसने अपने पर्स में छुपा रखी है। हाँ इतनी गंदी है, सब लोग ढूंढने में लग गए। ये ऐसे ही फिर वहाँ पे जाते हैं कह रही है। मैं कह रही हूँ बिना चाबी के कैसे जाएंगे। तब तो इसने तो अपना कमाल दिखाया। मेरे को शर्म हो रही थी, वो लोग क्या कहेंगे यूट्यूबर की चाबी खो गई। अरे इसने गोल लिखी थी, मैंने गिरी हुई उठाई थी यार। वो तो गिर जाती है, मिल जाती ना वहाँ पर। क्यों मिल जाती तो? तो हम मार्केट में आके ना यहाँ पर हम गन्ने का जूस पीने लग गए हैं। आज बारात का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। दो बजे कितने बजे? 2:45 मतलब 3 बजने वाला है। बारात अभी तक आई नहीं है। हम घर से निकल गए थे लेकिन बारात नहीं आ रही है गई। इतनी लेट बारात आई, अब थोड़ी ही जाके आते हैं हम। बारात को छोड़ के जा रहे हैं, बारात को छोड़ के ही जाना पड़ता है। क्या पता दुल्हन के घर जाके भी आ सकते हैं हम। फ्रेश फ्रेश गन्ने का जूस आ गया है, धूप लगती है तो सर पे मैंने खड़ा रख लिया है। मज़ा आ गया गर्मी के टाइम में गन्ने का जूस पी के, मस्त लग रहा है। मेरा तो फेवरेट है, कैसा लगेगा। बम में आगे हैं इस गन्नों की, यहाँ पर पेट पूजा हो रही है। ज़्यादा नहीं थोड़ा, क्योंकि गन्नों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और
लिया हमने प्रवेश। अभी बढ़ते जो सुनना सीन था यार, मैं बोट में बैठी नहीं हूँ अभी तक, मैं तो नहीं बैठी। तो आखिरकार पहुँच गए हैं कुली झील में। हम कहाँ शादी में जाने वाले थे, बाराती तो आए नहीं, हमने सोचा थोड़ा बहुत यहीं पर घूम के आते हैं। मतलब तो आज फिर से आपको कुली झील का व्यू दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं गर्मी के टाइम में कुली झील का सन। पर आते ही हमारी फोटोशूट शुरू हो गई है और ये देखिए झील का प्यारा सा व्यू गर्मी के टाइम में ना। तो ज़्यादातर लोग तो जो गुरुद्वारा जा रहे हैं, गुरुद्वारा में वो रीठा साहिबा वहाँ से, मतलब अभी तो बाहर बाहर से बहुत लोग आ रखे हैं क्योंकि वो गुरुद्वारा जा रहे हैं अभी। वहाँ पर गुरुद्वारे में मेला वगैरह भी है और उसके बाद बोटिंग के कई लोग मज़े ले रहे हैं। तो आपको नीचे जाके यहाँ का व्यू दिखाते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे, थोड़ा फ़ोटो शूट कीजिए नीचे पर, यहाँ पर भी नहीं पहुँचे, थोड़ा रील बनाई तो बारात पहुँच गई है लोहागाट। हम यहीं पर है, यहाँ पर देख सकते हो इतनी भीड़ हो रखी है बोटिंग के लिए, देख सकते हो। थोड़ा हम नीचे जाके आते हैं, यहाँ आ गए तो थोड़ा अब फोटो आ गए तो फोटो शूट तो करके ही जाएंगे, चाहे अब बारात पहले आती ना। बीच में आ चुकी हूँ कोली झील पे, ये देख सकते हो कोली झील का यहाँ पर। इसमें मेरे को डुबकी लगाने की आ जाओ ये तो पहले तैरता था, अब पानी इतना कम हो गया यार इसका। और यहाँ का देख सकते हो, हाँ फोन पानी में निकाले, ये व्यू है। और ये लोग बोटिंग में बैठ रहे हैं, देखो देखो भाई भाई कोली झील। फिर आएंगे हम नेक्स्ट टाइम जैसे हम यहाँ पहुँचे, और थोड़ा फोटो शूट तो हो गई है। एंड बोटिंग में हमारे पास या टाइम नहीं होता है या पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि आप पैसे थे तो आज टाइम नहीं था। गाइस झूठ भी बोल सकते हैं, हम दोनों एक जैसे बेरोजगार हैं, बेरोजगार नल्ले हैं, तो इसलिए क्योंकि 300 रुपये पर आदमी। वहाँ पर पूरी बोट ही बोट हो रखी है वहाँ से वहाँ तक। एंड अब मैं चलती हूँ घर को। अगर इस वीडियो की समाप्ति यही करती हूँ, शादी वाला व्लॉग मैं अगली उसमें बनाऊँगी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा आप। तो फिर मिलूँगी मैं बाद में नेक्स्ट व्लॉग के साथ।